ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद कहा गया है। इसे उपनिषद श्रृंखला में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें इस विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत और जीवन को ईश्वर का आवास कहकर ईश्वर के सर्वव्यापी सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमा में धन से सुख संतोष पूर्वक जीते हुए उसी के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। इसके 18 मंत्र गीता के 18 अध्यायों की तरह महत्वपूर्ण कहे गए हैं। प्रथम मंत्र में जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहकर जीवन संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश है। ये धन किसका है प्रश्न करके ऋषि ने मनुष्य को विभूतियों और संपदाओं के अभिमान से मुक्त होने का अमोघ सूत्र दे दिया है। दूसरे मंत्र में लंबी आयु और बंधन मुक्त रहकर कर्मरत रहने के सूत्र हैं, तो तीसरे मंत्र में अनुशासन उल्लंघन के दुष्परिणामों का संकेत है। मंत्र क्रमांक 4, 5 एवं 8 में परम ब्रह्म के स्वरूप का बोध है, तो 6, 7 में उसकी अनुभूति करने वालों के लक्षण दर्शाए गए हैं। क्रमांक 9 से 14 में विद्या अविद्या तथा सृजन एवं विनाश के बीच संतुलन स्थापित करने का रहस्य दिया गया है। क्रमांक 15 एवं 16 में परमात्मा से अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना तथा बोध होने की मनस्थिति का वर्णन है। क्रमांक 17, 18 में शरीर की नश्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की गई है। शांति पाठ। ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आधिदैविक आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहने की ऋषि की अनुभूति अनोखी है। वर्तमान विज्ञान भी इस अवधारणा का साक्षात्कार नहीं कर सका है। श्लोक 1। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो। अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है अर्थात किसी व्यक्ति का नहीं केवल ईश का ही है। श्लोक 2। यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष पूर्णायु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त विकार ग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऋषियों ने जीवन के ऐसे अनुशासन बतलाए हैं जिनका अनुपालन करके मनुष्य लंबी आयु भी पा सकता है और कर्म बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। श्लोक 3। वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असुरीय केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्मा आत्म चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। श्लोक 4। अविचल वहीश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है। वह सबसे पुरातन एवं स्फूर्तिवान है। उसे देवगण देवता अथवा इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु अपसृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। वर्तमान विज्ञान अभी प्रकाश से अधिक गतिशील तत्वों को खोज ही रहा है। मन की गति का तो मापन ही नहीं किया जा सका है। ऋषियों ने अविचल किंतु मन से भी अधिक गतिमान का साक्षात्कार किया था। श्लोक 5। वह परमात्म तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है तथा सबके बाहर उसे आवृत किए हुए भी है। श्लोक 6। व्यक्ति जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। केवल पड़े हुए ज्ञान से भ्रमों का निवारण संभव नहीं है। उसके लिए अनुभूति परक ज्ञान अनिवार्य है। श्लोक 7। जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि यह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो उसे एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं।
अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है। श्लोक 8। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है। वह देह रहित, स्नायु रहित एवं छिद्र वर्ण रहित है। वह शुद्ध और निष्पाप है। वह कवि, क्रांतदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वज्ञ और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथायोग्य अर्थों साधनों की व्यवस्था बनाई है। श्लोक 9। जो केवल अविद्या पदार्थ परक विद्या की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में गिर जाते हैं, और जो केवल विद्या तथा चेतना परक विद्या की ही उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। श्लोक 10। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि विद्या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है तथा अविद्या भौतिक ज्ञान का प्रभाव उससे भिन्न है। श्लोक 11। अतः विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानो। इनमें से अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति की जा सकती है। श्लोक 12। जो लोग केवल असंभूति, बिखराव, विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार अज्ञान में घिर जाते हैं, और जो केवल संभूति संगठन सृजन की ही उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। श्लोक 13। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। श्लोक 14। इसलिए संभूति समय के अनुरूप नया सृजन तथा असंभूति विनाश अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पाकर तथा संभूति उपयुक्त निर्माण की कला से अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है। श्लोक 15। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्यान्वेषण करने वाले के लिए आत्मावलोकन के इच्छुक के लिए उसे उस आवरण को अपावृत करें, हटा दें। श्लोक 16। हे पूषण जगत पोषक, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम नियंत्रण करने वाले, हे सूर्य सर्व प्रेरक, हे प्राजापत्य सृजनशील, आप अपनी किरणों चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है, उसे मैं देख रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। ये जो पुरुष आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म है, वही मैं हूँ। श्लोक 17। ये जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्मचेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है, इसलिए हे संकल्प कर्ता, तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो, और जो कर्म कर चुके हो उसका पुनः पुनः स्मरण करो। श्लोक 18। हे अग्रे यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाएं, हम पुनः पुनः भूयिष्ठ नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं।